नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं स्मित शर्मा टैपशॉप चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचपी ने बहुत ही कमाल का प्रिंटर लॉन्च कर दिया है। इससे पहले आपने इंक टैंक प्रिंटर के बारे में सुना होगा, लेकिन एचपी ने पहली बार लेजर जेट टैंक प्रिंटर लॉन्च कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे पास है ये बॉक्स और इसके अंदर है एचपी का लेजर जेट टैंक प्रिंटर। आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, इसे यूज करके देखेंगे और देखेंगे क्या है इसके खास फीचर्स। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसे ओपन और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या एसेसरीज मिलती है। एचपी का ये प्रिंटर इस तरह की पैकिंग में आता है। यहाँ पर एचपी की ब्रांडिंग दी गई है, लेजर जेट टैंक MFP1005W इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज देखने को मिल जाती है। कीमत है 23,695 रुपीज। वारंटी मिलती है एक साल की। वाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। सबसे पहले एक सेटअप गाइड देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया गया है। हाई स्पीड यूएसबी केबल भी प्रोवाइड की गई है और ये है इसकी पावर केबल। पावर केबल की क्वालिटी भी काफी ठीक ठाक है। तो इसके सारे टेप्स को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक पेपर ट्रे का कवर भी दिया गया है, ट्रांसपेरेंट कवर हमें मिल जाता है। ये है इसकी इनपुट पेपर ट्रे। इसकी कैपेसिटी है 150 शीट्स, मैक्सिमम 150 शीट्स हम इसके अंदर रख सकते हैं एक बार में। A4 साइज पेपर हो, A5 साइज पेपर हो, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये है इसकी आउटपुट पेपर ट्रे। इसकी कैपेसिटी है 100 शीट्स, मैक्सिमम 100 शीट्स हम इसके अंदर रख सकते हैं। इसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसे अंदर की तरफ इस तरह पुश कर दोगे। और ऊपर की साइड यहाँ पर एक ग्लास दिया गया है, यहाँ से हम पेपर को स्कैन कर सकते हैं, फोटोकॉपी कर सकते हैं। ये है हमारा टोनर का लेवल इंडिकेटर। एचपी के इस प्रिंटर की सबसे बड़ी खासियत यह है, इसके अंदर हम टोनर को रिफिल कर सकते हैं। यहाँ पर टोनर रिफिल करने का ऑप्शन दिया गया है। एचपी की रीलोड किट आती है, उससे हम केवल 15 सेकंड के अंदर टोनर को रिफिल कर सकते हैं। रीलोड किट में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है 2500 पेजेस के लिए और दूसरी है 5000 पेजेस के लिए। लेजर जेट टैंक प्रिंटर्स ऑफर 5x मोर टोनर पेज यील्ड कंपेयर टू अदर स्टैंडर्ड कार्ट्रिजेस। ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है। प्रिंटर में ऊपर की साइड यहाँ पर इसके सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अंदर गाइडेड बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर एक टू लाइन का डिस्प्ले दिया गया है। ऊपर वाला बटन वाईफाई को ऑन करने के लिए है। इसके अलावा ये वाले बटन, इससे आप कॉपी नंबर सेट कर सकते हो। इसके अलावा ब्राइटनेस और डार्कनेस सेट कर सकते हो। कॉपी स्टार्ट का बटन ये दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक आईडी कार्ड प्रिंटिंग के लिए दिया गया है। जैसे आईडी कार्ड होती है, उसकी दोनों साइड को आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो एक ही साइड में। इन्फॉर्मेशन बटन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा रिज्यूम का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप अपने जॉब को रिज्यूम कर सकते हो। अगर आपको कैंसिल करना हो तो उसके लिए यहाँ पर क्रॉस का बटन दिया गया है। इसके अलावा सबसे नीचे पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया गया है। इस प्रिंटर को आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके मोबाइल फोन का जो ऐप है उससे भी आप कमांड दे सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। आप अपने मोबाइल फोन से किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसका प्रिंट भी यहाँ ले सकते हो। इसके अलावा आप चाहो इससे स्कैन करके अपने मोबाइल फोन पर लेके आना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम इसे यूज करके देखेंगे। इसे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसके इनपुट पेपर ट्रे में हमें पेपर फीड करना है। पेपर को प्रॉपर तरीके से यहाँ एडजस्ट कर देना है। जो मैकेनिज्म यहाँ पर दी गई है उसकी मदद से पेपर को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना है। उसके बाद इसके साथ इसका जो पेपर ट्रे कवर आया है उसे भी हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद इसकी पावर केबल को इसके पावर पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है और अपनी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देना है। इस प्रिंटर को आप अपने इन्वर्टर और यूपीएस से भी चला सकते हो, यूज कर सकते हो। इसका जो वोल्टेज है वो केवल 390 वॉट पावर ये कंज्यूम करता है। प्रिंटर ऑन हो चुका है। यहाँ पर इसके बटन्स पर लाइट्स ग्लो करने लगी हैं, डिस्प्ले भी ऑन हो गया है। इससे हम प्रिंट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा इसे वायरलेसली अपने मोबाइल फोन या पीसी से कनेक्ट करके भी कमांड दे सकते हैं। ऊपर की साइड एक वाईफाई का बटन दिया गया है। इसके आगे एक ब्लू कलर की एलईडी इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब अभी हमारा प्रिंटर वाईफाई से कनेक्ट नहीं हुआ है। जैसे ही ये कनेक्ट हो
जाएगा, ये लाइट कंटिन्यू ग्लो करने लगेगी। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो 22 पेज पर मिनट की स्पीड यहाँ पर मिल जाती है। इसके इमेजिंग ड्रम की लाइफ है 50,000 पेजेस। सामने की साइड आप देखोगे यहाँ पर इसका टोनर लेवल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। इस समय हमारा टोनर लेवल फुल है, पूरी तरह से भरा हुआ है। अगर ये लेवल कम हो जाएगा तो इसके आगे आप एक एरो का निशान देख रहे हो, ये येलो कलर ग्लो करने लगेगा और आप अपने टोनर को फीड कर सकते हैं। इसकी जो रीलोड किट आती है उससे आप इजीली 15 सेकंड के अंदर रीलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फोटोकॉपी करके देख लेते हैं। फोटोकॉपी करना बहुत ही आसान है। इस तरह से पेपर को हमें यहाँ पर रख देना है इसके ग्लास के ऊपर और कवर को बंद कर देना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ जो कंट्रोल्स दिख रहे हैं यहाँ से आप अपने कॉपी के नंबर्स को सेट कर सकते हो। जितनी कॉपी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मुझे एक ही कॉपी करनी है तो मैं यहाँ पर एक सेट कर देता हूँ और बीच में जो थ्री डॉट्स वाला बटन आ रहा है इसे जब आप प्रेस करोगे तो आप इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर जो दो गाइड बटन्स दिए गए हैं इनसे हम इसकी ब्राइटनेस को, इसकी जो शार्पनेस है, डार्कनेस है, उसे हम यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। डार्कनेस को सिलेक्ट करने के बाद अब कॉपी स्टार्ट का ये बटन है इसे प्रेस कर देना है। कॉपी होनी स्टार्ट हो चुकी है। रेड कलर का क्रॉस बटन यहां ग्लो करने लगा है। अगर आपको कैंसिल करना हो आपको इसे प्रेस कर देना है, कॉपी होना कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारे यहां पर कॉपी हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की यहाँ पर आपको प्रिंटिंग देखने को मिलती है। आप देख रहे हो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हमारी कॉपी हो चुकी है। अब इस प्रिंटर को अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन पर HP स्मार्ट ऐप इंस्टॉल कर लेना है और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बताई गई हैं उन्हें फॉलो करते हुए इसे प्रॉपर तरीके से सेट कर लेना है। इसी तरह से हम इसे अपने PC से भी कनेक्ट कर सकते हैं। PC पर आपको HP स्मार्ट ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। स्कैन कर सकते हो आप, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट फोटोज, सारे ऑप्शंस हमें यहां देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा टोनर लेवल इंडिकेटर भी यहां दिया गया है, हमें लेवल भी पता लगता रहता है। तो अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करके दिखा देता हूं। मैं नोटपैड ओपन कर ले रहा हूं और यहां पर फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहां से हम प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। लेजर जेट टैंक MFP इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और प्रिंट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही प्रिंट पर हम क्लिक करते हैं हमारे प्रिंटर पर प्रिंट आ चुका है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं इसकी प्रिंट क्वालिटी। बहुत ही बढ़िया प्रिंट क्वालिटी यहां देखने को मिल जाती है और बहुत ही शार्प टेक्स्ट आपको यहां देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की प्रिंटिंग मिल जाती है। इसी तरह से आप मोबाइल फोन से भी कमांड देके प्रिंट ले सकते हो। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ से मोबाइल से भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे क्लिक करा है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रिंट भी कैसा आता है। कुछ ही सेकेंड यहाँ पर लगते हैं प्रिंट आने में और दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे ही मैंने यहाँ कमांड दे रखी है अपने मोबाइल फ़ोन से, हमारा प्रिंट यहाँ पर आ चुका है और इसकी क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रिंट हमें यहाँ पर मिल चुका है। HP स्मार्ट ऐप में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको टोनर रीलोड किट ऑर्डर करनी हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा मोबाइल फैक्स का ऑप्शन आ रहा है, कैमरा स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, फोटो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, सारे फंक्शंस यहाँ मिल जाते हैं। आप इसे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई डायरेक्ट से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेस है तो आपके लिए ये प्रिंटर बहुत ही यूजफुल हो सकता है। आपके एम्प्लॉय भी अपने मोबाइल फोन से प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट कमांड देके प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं। तो दोस्तों HP का ये लेजर जेट टैंक प्रिंटर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इसके अंदर हमें बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी प्रिंट क्वालिटी की तो काफ़ी शार्प टेक्स्ट यहाँ दिखाई देते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग यहाँ मिलती है और वो भी काफ़ी लो कॉस्ट पर। और दुनिया में HP पहली कंपनी है जिसने टोनर टैंक प्रिंटर लॉन्च किया है, टोनर टैंक प्रिंटर लेके आई है। तो दोस्तों HP का ये लेजर जेट टैंक प्रिंटर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।